नमस्कार, सुबह के 6 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में बात सबसे पहले कर लेते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जिसका आज है 7वां दिन। केशवराय पाटन के बलदेवपुरा में अब से थोड़ी देर में यात्रा शुरू हो जाएगी। सुबह 10 बजे CAD कैंपस लबान यात्रा पहुंचेगी। तस्वीरें भी जी राजस्थान आपको दिखाएगा। पहले पड़ाव में 12.8 किलोमीटर का यात्रा सफर तय करेगी। पहले चरण की बात कर ली जाए तो पहले चरण के बाद राहुल गांधी जाएंगे हिमाचल। हिमाचल में आज सुखविंदर सिंह सुक्खू लेंगे शपथ, पद की शपथ। हिमाचल दौरे के बावजूद यथावत रहेगा भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम। पापरी गांव से फिर शुरू होगा यात्रा का दूसरा पड़ाव। दूसरे चरण के शुरू होने से पहले वापस आकर भारत जोड़ो यात्रा की कमान राहुल गांधी संभालेंगे और उसके बाद शाम 6:30 बजे यात्रा पहुंचेगी रेलवे स्टेशन चौराहे पर। आज यात्रा की समाप्ति के बाद रखी गई है राहुल गांधी की कॉर्नर मीटिंग। तो जानकारी लगातार साझा कर रहे हैं। आज है यात्रा का 7वां दिन। एक बार फिर से आपको जानकारी साझा कर दें कि पूरा स्केड्यूल क्या रहने वाला है आज यात्रा का। केशवराय पाटन के बलदेवपुरा में अब से थोड़ी देर का वक्त बताया जा रहा है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि यात्रा जो शुरू होती है सुबह 6 बजे शुरू होती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि थोड़ी देर का वक्त है जब यात्रा शुरू हो जाएगी। सुबह 10 बजे CAD कैंपस लबान यात्रा पहुंच जाएगी और उसके बाद देखिए पहले पड़ाव में, यानी कि दो पड़ाव रहने वाले हैं इस यात्रा के, तो पहले पड़ाव में 12.8 किलोमीटर का यात्रा सफर तय करेंगे। पहले चरण के बाद राहुल गांधी हिमाचल जाएंगे, क्योंकि वहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है CM पद की शपथ लेंगे, तो वहां रहना भी उनका जरूरी है। ऐसे में हिमाचल दौरे के बावजूद यात्रा का जो कार्यक्रम है वो यथावत रखा गया है। पापरी गांव से यात्रा फिर शुरू होगी, यात्रा का दूसरा पड़ाव, और दूसरे चरण के शुरू होने से पहले राहुल गांधी वापस आ जाएंगे और यात्रा की कमान संभाल लेंगे। शाम 6:30 बजे का वक्त है जब यात्रा पहुंचेगी रेलवे स्टेशन चौराहे पर, और आज यात्रा की समाप्ति के बाद रखी गई है राहुल गांधी की कॉर्नर मीटिंग भी। तो मीटिंग में जो भी जानकारी निकलकर सामने आएगी वो जानकारी जी राजस्थान अपने दर्शकों के साथ साझा करेगा और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे यात्रा की, जब ये यात्रा अब से थोड़ी देर के बाद शुरू हो जाएगी। तो देखिए ये यात्रा शुरू हुई थी झालावाड़ से यात्रा शुरू होती पहुंची कोटा, कोटा के बाद पहुंची बूंदी, और बूंदी के बाद अभी यात्रा है अगले क्षेत्र में जो है पहुंच चुकी है। तस्वीरें हिमांशु मित्तल मेरे सहयोगी दिखाएंगे जो कि ग्राउंड पर मौजूद है, उनका हम रुख कर लेते हैं और हिमांशु मित्तल से हम जानेंगे इस यात्रा को लेकर पूरी जानकारी। और हिमांशु, आज यात्रा का 7वां दिन रहने वाला है, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी पहले पड़ाव की यात्रा में तो शामिल हो जाएंगे, लेकिन दूसरे पड़ाव की यात्रा में शामिल होने से पहले हिमाचल भी उनका कार्यक्रम रखा गया जाने का, तो पूरी जानकारी चाहूंगी आप साझा करें। देखिए निश्चित तौर पर आपको बता दें कि आज भारत जोड़ो यात्रा का 7वां दिन है, लेकिन इन सब के बीच में कार्यक्रम में कुछ बदलाव है। सुबह 6 बजे जो यात्रा जिस तरह से बलदेवपुरा से शुरू होनी थी उसी तरह से शुरू होगी। 12 किलोमीटर के करीब ये सफ़र रहेगा और लबान के CAD तक ये पहुंचेगी। लेकिन इन सब के साथ में आपको बता दें कि करीब 10:30 पर राहुल गांधी का हिमाचल जाने का कार्यक्रम है जो शेड्यूल बना है उसके मुताबिक। और आपको बता दें कि यात्रा उसी तरह से रहेगी, यथावत रहेगी। अपने दूसरे पड़ाव का जो सफ़र है वो भी उसी तरह से तय करेगी। करीब करीब माना जा रहा है कि 3:30 से 4 बजे तक राहुल गांधी की वापसी हो जाएगी और उन सब के बाद में जो अगला शेड्यूल है वो उसी के मुताबिक पूरा की पूरा वैसे ही रहेगा। आपको बता दें कि आज के शेड्यूल की अगर बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि आज के शेड्यूल के मुताबिक जो पहले फेज़ में यात्रा, जब मैंने बताया बलदेवपुरा से CAD कैंपस लबान तक चलेगी, तो 12.8 किलोमीटर का ये सफ़र जो है वो यात्रा शुरू करेगी। फिर इसके बाद में दूसरी तरफ अगर बात करें तो 3:30 बजे का वक्त है कि पापरी से ये यात्रा शुरू होगी। 11.5 किलोमीटर का सफ़र लाखेरी रेलवे स्टेशन तक चौराहे तक इसे तय करना है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें कुछ आधा एक घंटे का जो शेड्यूल में दूसरे पड़ाव में चेंजेस हो सकते हैं। माना जा रहा है कि 4 बजे तक राहुल गांधी की जो वापसी है वो हो जाएगी। और फिलहाल बलदेवपुरा देख सकते हैं आप, बलदेवपुरा गांव से ये तस्वीरें फिलहाल हम दिखा रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं कि यात्रा के सफर की शुरुआत है वो होने को है। D की जो तैयारी है वो कर ली गई है और फिलहाल जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंच गए हैं। पहुंचने के साथ में आपसे कुछ देर में इस यात्रा के सफर की, यात्रा के पड़ाव की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। आगे चल करके दिखाते हैं। करीब करीब 5 मिनट में माना जा रहा है कि यात्रा जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी और अपना जो शेड्यूल है उसके मुताबिक चलेगी। जैसा कि अपडेट हमने दिया
कि 10:40 पर ये जो यात्रा है उसके 10 के आसपास पूरी हो जाएगी और करीब 10:30 के करीब राहुल गांधी जो है वो हिमाचल के लिए रवाना हो जाएंगे। तो करीब 10:30 का वक्त बताया जा रहा है, जो कि अभी सहयोगी हिमांशु मित्तल जानकारी साझा कर रहे हैं यात्रा को लेकर, कि 10:30 राहुल गांधी को जाना है हिमाचल, क्योंकि हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू लेंगे सीएम पद की शपथ, तो ऐसे में उनकी वहां भी मौजूदगी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हिमांशु, जरा ये बताइए, आज के अगर कार्यक्रम की बात कर लूं यात्रा को लेकर, तो क्या कमोबेश वही कार्यक्रम रखा गया है जो हमने पहले देखा था, कि राहुल गांधी आगे यात्रा शुरू करते हैं, फिर उसके बाद टी ब्रेक के लिए रुकते हैं और उसके बाद फिर से यात्रा की शुरुआत हो जाती है, या कुछ बदलाव आज के दिन में? देखिए, टी ब्रेक को लेकर के फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि 6:00 यात्रा का वक्त होता है शुरू होने का, आपसे माना जा रहा है 5-10 में यात्रा शुरू हो जाएगी। लंच ब्रेक 10:00 के करीब होता है जो होना था, और आपको बता दें कि सीएडी कैंपस लबान में ये लंच ब्रेक होना था, लंच ब्रेक उसी समय पर होगा। इन सब के साथ में जो कार्यक्रम में तब्दीली हुई है वो ये कि लंच ब्रेक के दौरान जो 3:30 तक लंच ब्रेक रहता है, रेस्ट का समय रहता है, उसमें राहुल गांधी जो है वो हिमाचल का जो दौरा फिक्स हुआ है, हिमाचल के जो सीएम है वो शपथ ले रहे हैं, तो उसमें खुद राहुल गांधी शामिल होने वाले हैं। फिलहाल देखिए आप कि जो वाहनों का कारवा है वो आगे बढ़ने लगा है, और वाहनों के कारवे के आगे बढ़ने के साथ में ये जो सफ़र है वो उसी तरह से रहना है। संदीप भी सहयोगी है, वो हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संदीप जी, कार्यक्रम में जो तब्दीली हुई है वो सिर्फ ये कि करीब 10:30 जो राहुल गांधी हैं वो हिमाचल के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन पूरी यात्रा का जो शेड्यूल है वो वैसे ही रहेगा, 4:00 तक वापसी हो जाएगी, फिर दूसरे पड़ाव की यात्रा शुरू हो जाएगी। जिस तरह से कार्यक्रम में आंशिक बदलाव हुआ है, उसमें लाखेरी में जो कॉर्नर मीटिंग होगी वो यथावत रहेगी, और जो अभी लंच तक यहाँ पे जब पड़ाव लबान तक जाएगा और लबान में लंच के बाद में 10:40 पे राहुल लबान के पास जो हेलीपैड बनाया गया है उससे रवाना हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कापरेन से हेलीपैड बनाया गया है उस हेलीपैड से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो सीएम अशोक गहलोत भी जा रहे हैं हिमाचल? सीएम अशोक गहलोत का भी जयपुर का कार्यक्रम आया है और उनका हिमाचल का कार्यक्रम आया है। आज की अगर बात करें तो कुल मिलाकर के जिस तरह से आज की यात्रा रहने वाली है, उसमें क्या मोटे तौर पर हम मान सकते हैं कि कौन कौन बड़े नेता आज की यात्रा में शामिल हो रहे हैं? अभी जिस तरह से जो कल सचिन पायलट जो यहाँ आए थे वो यहाँ से चले गए हैं, और इसके अलावा जो अन्य जो दिग्विजय सिंह है और जयराम रमेश है और जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा है, ये जो जितने भी तमाम नेता है वो यहीं पे रुके हुए हैं, वो लंच तक अभी यहीं रहेंगे, लंच के बाद में इनके कार्यक्रम में कुछ आंशिक बदलाव आ सकता है। तो देखिए, लंच तक ये मौजूद रहेंगे, लंच के बाद में कुछ जो बदलाव हैं वो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल यात्रा का जो सफर है वो शुरू हो गया है। उसको लेकर विस्तार से बताएं, कॉर्नर मीटिंग को लेकर। देखिए फिलहाल तस्वीरें देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा का सफर जो है वो शुरू हो गया है, देख सकते हैं आप कि मैं तस्वीरों को जो देख पा रहा हूँ, सीएम अशोक गहलोत राहुल गांधी के साथ में फिलहाल यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इन सबके साथ में आप देखिए कि फिलहाल देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा का सफ़र बलदेवपुरा से शुरू हो गया है। ये देखिए तस्वीर बलदेवपुरा की, राहुल गांधी जो हैं वो नज़र आ रहे हैं इन तस्वीरों में, सीएम अशोक गहलोत उनके साथ में चलते हुए यहां पर फिलहाल नज़र आ रहे हैं। लोगों की भीड़ और हुजूम के साथ हर दिन की जिस तरह की तस्वीर होती है जो फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने को मिल रही है, उसी तरह से उसी तर्ज पर फिलहाल देखिए आप कि आज के टाइट शेड्यूल में फिलहाल ठीक 6:00 के करीब ये यात्रा का सफ़र जो है वो बलदेवपुरा से शुरू हो गया है, जो 12 किलोमीटर के करीब का सफ़र तय पहले पड़ाव में होगा और सीएडी कैंपस लबान तक पहुंचेगा। बिल्कुल सही कहा आपने मांशु, लबान तक ही कार्यक्रम यात्रा पहुंचेगी। जरा ये बताइए मांशु, जैसे कि अभी आपसे मैंने शुरुआत में सवाल किया था, कॉर्नर मीटिंग भी दरअसल रखी गई है, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए आपको बता दें कि पहले से तय है कि जो भारत जोड़ो यात्रा का सफ़र है उसमें एक दिन को छोड़कर के दूसरे दिन कॉर्नर मीटिंग जो है वो रखी जाती है, जिसके अंदर राहुल गांधी और प्रदेश के जो तमाम कांग्रेसी दिग्गज हैं वो मौजूद होते हैं, सीएम अशोक गहलोत मौजूद होते हैं, और इन सब के साथ में आपको बता दें कि एक कॉर्नर मीटिंग रखी जाती है जिसमें राहुल गांधी का और कांग्रेस के दिग्गजों का यानी कि सीएम अशोक गहलोत का जो संबोधन है वो मोटे तौर पर देखने को मिलता है,
संबोधन के दौरान जो इलाके के लोग हैं उस कॉर्नर मीटिंग में उस सभा के दौरान मौजूद रहते हैं और करीब करीब ये एक घंटे की सभा रहती है जिसमें राहुल गांधी का जो संबोधन है वो लोगों को सुनने को मिलता है। सबसे बड़ी बात ये कि अब तक जितनी भी कॉर्नर मीटिंग हुई है, कॉर्नर मीटिंग को हमने सुना है, उनके अंदर देखने में आया है कि राहुल गांधी हमलावर होते हैं केंद्र सरकार पर, लेकिन उन सब के साथ में भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद है, आखिर क्या वजह रही कि क्यों इस भारत जोड़ो यात्रा को निकालने की शुरुआत की गई, आखिर किस उद्देश्य के साथ में शुरुआत की गई, और इन सब के साथ में भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह का जो रिस्पांस है वो मिल रहा है और लोगों के बीच में किस तरह की जो चर्चाएं हैं वो हो रही हैं, अब तक की उसकी सफलता, और इन सब के बीच में आपको बता दें कि किस तरह से लोगों का जो जुड़ाव है वो हो रहा है, किस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और क्या अब तक के अनुभव हैं उनको साझा करते हुए जो राहुल गांधी हैं वो कॉर्नर मीटिंग करते हैं, लोगों के बीच में जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन्हें उस कॉर्नर मीटिंग के जरिए बताने की कोशिश करते हैं, और इसी के साथ में ये कॉर्नर मीटिंग जो है वो होती है और उसके बाद में रात्रि विश्राम का जो समय है वो हो जाता है। कॉर्नर मीटिंग के बाद में उस यात्रा के पड़ाव के उस दिन की दिन का जो दौर है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल, और हिमांशु तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि अभी रोशनी ज्यादा नहीं नजर आ रही है, क्यों इसलिए तस्वीरें भी क्लियर नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा कौन कौन मौजूद है और कौन कौन शामिल होगा। देखिए फिलहाल जो तस्वीरें नजर आई हैं, फिलहाल अभी स्थानीय जो नेता हैं वो राहुल गांधी के साथ में सुबह के सफर में चलते हुए नजर आ रहे हैं, सीएम अशोक गहलोत फिलहाल नजर आ रहे हैं, और अभी जो जो लोग जुड़ते जाएंगे उनका अपडेट हम तमाम दर्शकों तक पहुंचाते जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जैसा कि आज के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव हुआ है वो यही कि 10:40 पर हेलीकॉप्टर के जरिए सीएम राहुल गांधी जो है वो हिमाचल के लिए पहुंचेंगे, हिमाचल के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, 10:40 का वक्त बताया जा रहा है जब राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर शपथ ग्रहण समारोह है सुखविंदर सिंह सुक्खू का, और ये तस्वीरें सहयोगी हिमांशु मित्तल सीधा ग्राउंड से आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि लगातार जो है यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, हर बीते दिन के साथ जो है लोगों का उत्साह जो है वो चरम पर है। और हिमांशु मित्तल जरा ये बताइए, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि बूंदी में ही यात्रा थी और अलग अलग शहरों से होकर यात्रा गुजर रही थी, आज किन किन शहरों से होकर यात्रा गुजरेगी और अगला पड़ाव कौन सा है? देखिए जैसा कि मैंने अपडेट किया कि फिलहाल जो यात्रा का सफर है वो जैसा कि हमने बताया कि कापरेन से शुरू हुआ है, बलदेवपुरा से शुरू हुआ है कापरेन के, और बलदेवपुरा से ये जो सफ़र है वो आगे बढ़ते हुए सीएडी कैंपस लबान तक पहुंचना है, और लबान हिमांशु आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? ठीक है, लगता है ना कि टेक्निकल इश्यूज यहाँ पर सामने आए हैं। तो देखिए सीडी कैंपस लबान तक यात्रा जो है यहाँ पर पहुंचेगी, और उसके बाद जो है जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि 10:40 का वक्त है अप्रोक्स रखा गया है जब राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां शपथ ग्रहण समारोह है उसमें मौजूद रहेंगे, और उसके बाद दूसरा पड़ाव जब यात्रा का रहेगा तब राहुल गांधी की वापसी होगी, करीब 3-4 का वक्त बताया जा रहा है जब राहुल गांधी की वापसी होगी, और उसके बाद दूसरे पड़ाव यानी कि दूसरे चरण की जो यात्रा होगी उसकी शुरुआत हो जाएगी, राहुल गांधी उसकी कमान फिर आकर संभाल लेंगे। ये तस्वीरें लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, और लगातार ये जो यात्रा है वो आगे बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है, राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में आपको इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नजर आएंगे, और जैसे कि हिमांशु मित्तल ने बातचीत की, वहां तमाम लोग जो मौजूद थे, ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जयपुर जाने का भी कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन स्थानीय नेता जो है वो इस वक्त आपको इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे, और आगे जैसे जैसे यात्रा जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है तमाम जो लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात ये जिसका जिक्र मैं
मैं हर दिन करती हूँ कि यात्रा में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनका उत्साह जो है हर बीते दिन के साथ जो है चरम पर है और बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जैसे कि जानकारी मिल रही है कि लंच ब्रेक रखा जाएगा, लंच ब्रेक के बाद राहुल गांधी जो है हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे और उसके बाद फिर राहुल गांधी की वापसी होगी सेकेंड फेज में और फिर से वो यात्रा की कमान संभाल लेंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया गया है। तो जब जब हम बातचीत करते हैं कांग्रेस नेताओं से तो यही कहा जाता है उनकी ओर से कि इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा इसलिए रखा गया है क्योंकि हम लोगों से सीधा जुड़ना चाहते हैं, यही मकसद है इस यात्रा का और यही मकसद है राहुल गांधी का, ताकि वो ग्राउंड पर रहकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सके, लोगों से सीधा कनेक्ट कर सके और यही मकसद इस यात्रा का। राजस्थान में यात्रा है ये और कई दिनों तक यात्रा जो है जारी रहेगी। तस्वीरें इस वक्त सीधा ग्राउंड से हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सूर्य उदय ठीक से नहीं हुआ है अभी, तो जैसे ही दिन जो है चढ़ेगा वैसे वैसे तस्वीरें साफ तौर पर आपको नजर आएंगी। और अभी इस यात्रा में जो मौजूद है राहुल गांधी के साथ वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको नजर आएंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा निकाली जा रही है और बड़े संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। तो आपको फिर से जानकारी साझा कर दें कि आज इस यात्रा का सातवां दिन है, कल छठवां दिन था और आज सातवां दिन है। केशव राय पाटन के बलदेवपुरा से यात्रा शुरू हो चुकी है, लगातार यात्रा आगे बढ़ती हुई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है, यानी अब से करीब चार घंटे बाद जब ये सीएडी कैंपस लबान यात्रा पहुंच जाएगी, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे हम। पहले पड़ाव में और दूसरे पड़ाव में यात्रा रखी गई है। फर्स्ट फेज जो रहेगा उसमें अगर आप जानकारी साझा करें आपके साथ तो 12.8 किलोमीटर का सफर यात्रा तय करेगी। पहले चरण के बाद राहुल गांधी हिमाचल चले जाएंगे, जो कि मैं आपको लगातार बता रही हूँ। हिमाचल में आज सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम पद की शपथ लेंगे और भारत जोड़ो यात्रा यथावत रहेगी, यानी कि राहुल गांधी की उस समय में गैर मौजूदगी में यात्रा जो है आगे बढ़ती रहेगी, यथावत रखी गई है यात्रा। और यात्रा का कार्यक्रम पापरी गांव से फिर से शुरू होगा और दूसरा पड़ाव जो है दूसरे चरण के शुरू होने से पहले वापस आकर राहुल गांधी फिर से इस यात्रा की कमान संभालेंगे। हिमांशु मित्तल का हम फिर से रुख कर लेते हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मैं ये कह रही थी क्योंकि जिसका जिक्र हम लगातार करते हैं कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है हर बीते दिन के साथ में लोगों का जो उत्साह है वो चरम पर आ रहा है। आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए क्या समझ पा रहे हैं, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने भी कहा कि यात्रा का सफर राजस्थान में लगातार बढ़ रहा है और फिलहाल ये राजस्थान का तीसरा जिला है जिसमें यात्रा जो है वो बंद कर रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो आज सातवां दिन है जब यात्रा का सफर फिलहाल चल रहा है, लेकिन इन सबके साथ में एक बात ये है कि यात्रा के साथ में जो लोगों का जुड़ाव है वो लगातार बना हुआ है। देख सकते हैं हम सुबह 6 बजे की ये तस्वीरें हैं जब फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा का सफर शुरू हुआ है, लेकिन कड़कड़ाती सर्दी के बीच में भी लोगों का जो उत्साह है वो कम नहीं है। ये फिलहाल सीधे तौर पर जो है वो देखने में आ रहा है, तो में भी लोगों का उत्साह है वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। कल के कुछ अहम बारे में, कल राहुल गांधी ने कोटा के कोचिंग छात्रों के साथ संवाद किया, निश्चित तौर पर ये खास बात थी। और संवाद करने के साथ में आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है एक खास तस्वीर इस दौरान हमें देखने को मिली जब एक कोचिंग छात्र ने राहुल गांधी के सामने एक परेशानी कर रखा। सवाई माधोपुर में एक गांव है, उसको क्रमोन्नत करने की जो बात है वो रखी थी उसने, स्कूल की पूजा रखी थी। गांव में 8वीं तक का स्कूल है और लड़कियां जो है वो गांव की आगे नहीं पढ़ पाती और इसको लेकर के जब जैसे ही ये समस्या राहुल गांधी के सामने पहुंची तो इसको लेकर के सीएम से उन्होंने बात की और तुरंत प्रभाव से इसको लेकर के जो आदेश है वो जारी कर दिए गए। ऐसे में देखिए गांव की जो समस्याएं जिनको लेकर के सालों से संघर्ष चल रहा है, सालों से परेशानियां बनी हुई, लेकिन आखिरकार उनका समाधान होता है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसी कई समस्याएं राहुल गांधी की यात्रा के दौरान उनके सामने पहुंचती हैं, उनके सामने आते हैं तो तुरंत प्रभाव से उनका जो निस्तारण है ये होता है, क्योंकि खुद सीएम चल रहे हैं, कई जो मंत्री हैं यात्रा के दौरान फिलहाल सफर पर है। दूसरी बड़ी बात और कि कल कोचिंग को लेकर के, क्योंकि कोटा कोचिंग हब है और पहले तय था कि कोचिंग
कोटा में जब यात्रा गुजरेगी तो कोटा में संवाद होगा, लेकिन कार्यक्रम में तब्दीली हुई वहाँ, उसके बाद में कोचिंग छात्रों से संवाद नहीं हो पाया था। तो कल कोचिंग छात्रों से राहुल गांधी ने संवाद किया, उनसे बातचीत की, उनसे चर्चा की। इन सबके साथ में कोचिंग डायरेक्टर से भी जी ने कल मुलाकात की थी। करीब करीब डेढ़ घंटे जो है वो चर्चा रही, उसमें मोटे तौर पर राहुल गांधी से, कोटा के राहुल गांधी ने कोचिंग डायरेक्टर से जो चर्चा की, उसमें कोचिंग के जो डेवलपमेंट्स हैं उनको लेकर के चर्चा की। कोचिंग सिटी किस तरह से काम करती है, किस तरह से कोटा कोचिंग हब है, उसको लेकर चर्चा की। आगे आईआईटी और मेडिकल के अलावा जो है उनको लेकर के चर्चा, सिस्टम को लेकर राहुल गांधी ने चर्चा की। जो कोचिंग डायरेक्टर्स हैं उन्होंने कोटा को लेकर के जो पूरी जानकारियां हैं कोचिंग सिस्टम को लेकर के वो दी। तो इस तरह से राहुल गांधी और यात्रा का मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ाव, ज्यादा से ज्यादा लोगों का संवाद, ज्यादा से ज्यादा जो लोगों की परेशानी, और फिलहाल उसी के साथ में राहुल गांधी का मकसद जो है वो यात्रा के साथ में हल होता हुआ, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से संवाद होता है, ज्यादा से ज्यादा जो लोगों की पीड़ा सामने आती है उनका समाधान होता है कहीं ना कहीं। एक बात मैं ये भी कहूंगा कि इन सब के साथ में कोशिश राहुल गांधी की है कि ऑन ग्राउंड लोगों को समझा जाए, लोगों की परेशानी को समझा जाए, अपनी नॉलेज को बिल्डअप करते हुए हर क्षेत्र को समझने की जो कोशिश, कवायद जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। क्योंकि आप जितने इलाकों में जाएंगे, जितने इलाकों को घूमेंगे, जितने इलाकों को समझेंगे, उन सब के साथ में नई चीजें आपको आपके सामने होंगी, नई चीजों से जो रूबरू है वो आप हो रहे होंगे, नए तरह के जो लोग हैं वो आपसे इंटरेक्ट कर रहे होंगी, उनकी जो मानसिकता है वो आपके सामने होगी, और कहीं ना कहीं आप उन्हें समझ पा रहे होंगे और उस इलाके को समझ पा रहे होंगे। मोटे तौर पर लोगों की सोच, लोगों का जो नजरिया है वो आपके सामने आ रहा होगा। तो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद जो है वो फिलहाल ठीक है। आपके पास नजर, आप बनाए रखेगा यात्रा से जुड़ी पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे आगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।